प्रयागराज जिले के करबला इलाके में स्थित यह इमारत बाहुबली अतीक अहमद का दफ्तर है। वो अतीक अहमद जिसका 15 अप्रैल को अंत हो चुका है, उसके इस दफ्तर में अब खून के निशान मिले हैं। खून के निशानों की तस्वीर इमारत की सीढ़ियों से लेकर किचन तक तमाम बार पुलिस के कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। एक संदिग्ध चाकू मिला है, खून से सना एक दुपट्टा और तमाम तरीके के सवाल जो इस इमारत के अंदर मौजूद मिले हैं। ये वही इमारत है जिन्हें बीते दिनों योगी सरकार के बुलडोजर ने ढा दिया था। इसी घर से शाइस्ता परवीन अपने मेयरी का चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन इस बार इस इमारत के अंदर कुछ ऐसे निशान मिले हैं जिसने एक बार फिर एक नई कहानी को शुरू कर दिया है। सोमवार की सुबह इस इमारत से मिले ताजा खून के निशानों से एक नए सवाल का जन्म हुआ है। यह खून का निशान किसका है? इसे लेकर पुलिस की टीमों ने अपनी जांच शुरू की है। मौके पर फोरेंसिक विभाग के अधिकारियों ने तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं। इस घटना स्थल पर मीडिया के तमाम लोग सोमवार सुबह से जुटे हुए हैं। तमाम लोगों ने अपने कैमरों से खून के वो निशान भी दिखाए जो इमारत में मिले हैं। अब मौके से फोरेंसिक विभाग की टीम ने तमाम सबूत इकट्ठा किए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इमारत के अंदर ये निशान आए कैसे? पुलिस अधिकारियों ने अपनी शुरुआती जांच के बाद कहा है कि इमारत के पीछे के कमरे का एक शीशा टूटा हुआ है। खिड़की के शीशे से कौन आया और इस कमरे के अंदर कौन घुसा, कैसे ये निशान आए, इन सब सवालों के लिए फोरेंसिक विभाग की टीम ने सबूत इकट्ठा किए हैं। जांच शुरू हो गई है। अतीक अहमद के अंत के एक हफ्ते बाद इस तरह के सवाल फिर से खड़े हुए हैं कि इस इमारत के अंदर कौन आया था। इस इमारत का इस्तेमाल शाइस्ता परवीन करती थी जो अब भी फरार है। पूर्व में शाइस्ता परवीन की मेयरी के चुनाव के लिए इस इमारत पर बहुजन समाज पार्टी का एक झंडा भी लगाया गया था। इमारत ध्वस्त हो गई है लेकिन झंडा बरकरार है। पीछे की तरफ एक कमरा है, उसका ग्लास टूटा हुआ है, तो संभवतः ये भी हो सकता है कि किसी के द्वारा कोई चोर या उस तरह से कोई एंटर किया हो। और जो ब्लड स्टेन्स हैं उनको कलेक्ट किया गया है फील्ड यूनिट के द्वारा, उस सैंपल को हम एनालिसिस के लिए भेज रहे हैं। बाकी यहाँ पे आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उसका एनालिसिस कर रहे हैं, और जैसे ही कोई और हमें लापरवाही सूचना मिलती है तो हम आपको अवगत कराएंगे। सर, क्या लगता है ये ब्लड जो है वो किसी इंसान का है या किसी जानवर का? चाकू मिला है? देखिए, वो मैं कंफर्म तभी हम कर पाएंगे जब लैब से रिपोर्ट आ जाएगी। सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं, प्रयास करेंगे कि इवनिंग तक वो रिपोर्ट आ जाए। सर, चाकू भी मिला है? एक सेकंड, जब आप बता रहे शीशा भी टूटा हुआ, उस पर भी ब्लड स्टेन्स आप लोगों को मिले? पीछे की तरफ एक मिरर जो है वो जो विंडो जो शीशा रहता है वो टूटा हुआ है, और उस वहाँ पे भी ब्लड स्टेन्स मिले हैं, तो उसका भी हम उसको भी गहनता से उसकी जांच करवा। चाकू भी मिला है? चाकू मिला? देखिए, जो भी एविडेंसेस मिले हैं सबको कलेक्ट कर लिया गया है, और जो भी इसके परिणाम आएंगे आपको अवगत करा दिया जाएगा। देखिए, ब्लड स्टेन्स के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और उसको एनालिसिस के लिए भेज दिया गया है। बाकी जो भी सूचना हमें फर्दर मिलेगी इसके बेसिस पे हम आपको अवगत करा देंगे। सर, एक सवाल, पुलिस सुरक्षा यहाँ भाई। अब सवाल ये है कि इस इमारत के अंदर आया तो आया कौन? क्या ये खून के निशान हैं? और अगर हैं तो ये निशान किसके हैं? सवाल ये कि दुपट्टा किसका है और वो चाकू भी। इन सबको लेकर पुलिस की पड़ताल शुरू हो गई है, लेकिन अतीक अहमद के अंत के बाद घर का फिर से संदिग्ध दायरे में होना इस बात को बताता है कि कहानी के कई पहलू हैं, कई सवाल जिनका जवाब आने वाले वक्त में पुलिस को ढूंढना होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।